हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इंग्लिश एजुकेशन। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में पढ़ने वाली है मॉडल वर्ब के बारे में कि मॉडल वर्ब क्या है, कितने होते हैं और उनका यूज कहाँ पे होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो। तो बिना टाइम वेस्ट करे तो वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, अब हम जानते हैं मॉडल वर्ब क्या है। मॉडल वर्ब हमें बताते हैं विश, रिस्पॉन्सिबिलिटी, परमिशन बताते हैं, हमें एडवाइस बताते हैं, तो उनको कहते हैं हम मॉडल वर्ब कहते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू अच्छे से क्लियर कर लेते हैं। एग्जाम्पल है, यू कैन स्पीक इंग्लिश। ठीक है, यू कैन स्पीक इंग्लिश, तो ये क्या बता रहा है हमें? एबिलिटी बता रहा है कि तुम इंग्लिश बोल सकते हो। ठीक है, अब एक और एग्जाम्पल है, यू शुड स्पीक इंग्लिश। ठीक है, तो ये हमें एक एडवाइस दे रहा है कि तुम्हें, हमें सलाह दे रहा है कि तुम इंग्लिश बोलनी चाहिए। ठीक है, कि तुम इंग्लिश बोलनी चाहिए। ठीक है, इस सेंटेंस में क्या है? इस सेंटेंस में हमें एबिलिटी बताएगी तुम इंग्लिश बोल सकते हो। ठीक है, और इस सेंटेंस के अंदर हमें एडवाइस दी गई, सलाह दी गई कि तुम्हें इंग्लिश बोलनी चाहिए। ठीक है, अब हम जाने थे कैन का यूज कहाँ पे करते हैं। ठीक है, पहले हम उसकी हिंदी जानते हैं, उसकी हिंदी क्या होती है। ठीक है, कैन की हिंदी होती है सकता। ठीक है, कैन की हिंदी क्या होती है? सकता होती है। ठीक है, अब कैन का यूज हम कहाँ पे करते हैं वो हम जानते हैं। कैन का यूज हम करते हैं एबिलिटी के लिए और एक ऑफर के लिए। ठीक है, ऑफर के लिए यूज करते हैं बट कम करते हैं, पर फिर भी हम यूज करते हैं। ठीक है, अब हम जान लेते हैं एबिलिटी में कुछ एग्जाम्पल समझ लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल है, यू कैन स्पीक इंग्लिश, तुम इंग्लिश बोल सकते हो। ठीक है, तो एक एबिलिटी हो गई, तो ये कैन क्या है? हमारा एक मॉडल वर्ब है। ठीक है, यहाँ पे भी एक और है, शी कैन प्ले फुटबॉल, वह फुटबॉल खेल सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे भी कैन आ गया, ये भी एक एबिलिटी बता दी है। ठीक है, तो ये भी कैन का हो गया, हमारा मॉडल वर्ब हो गया। ठीक है, एक और एग्जाम्पल है, ही कैन रन वेरी फास्ट। ठीक है, ही कैन रन वेरी फास्ट, वह तेज दौड़ सकता है। ठीक है, तो ये भी एक एबिलिटी हो गई। ठीक है, कैन आया, तो ये क्या हो गया? कैन एक मॉडल वर्ब हो गया। ठीक है, एग्जाम्पल है, यू कैन डू एनी थिंग। ठीक है, तुम कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, तो कैन आया, तो ये एबिलिटी बता दी है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल है, शी कैन लर्न इंग्लिश, शी कैन लर्न इंग्लिश, वह इंग्लिश सीख सकती है। ठीक है, तो कैन क्या है? कैन ने एबिलिटी बताई कि वह इंग्लिश सीख सकती है। ठीक है, अब हम ऑफर के कुछ एग्जाम्पल जान लेते हैं। उसमें एग्जाम्पल है, कैन आई हेल्प यू, क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। ठीक है, तो कैन आया, तो कैन एक ऑफर कर रहे हैं ना कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे भी एक एग्जाम्पल है, आई कैन सेंड दिस लेटर फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए लेटर सेंड कर सकता हूँ। ठीक है, तो कैन क्या है? ऑफर कर रहा है ना कि लेटर तुम्हारे लिए सेंड कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे भी एग्जाम्पल है, आई कैन पे द बिल फॉर यू। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए बिल पे कर सकता हूँ। ठीक है, तुम्हारे लिए बिल पे कर सकता हूँ, ऑफर कर रहा है तुम्हें, तब भी हमने यहाँ पे किसका यूज करा है? कैन का यूज किया है। ठीक है, इस पहले हमने जाना कि कैन का यूज हम करते हैं पर ऑफर के लिए, और एबिलिटी के लिए भी हम कैन का यूज करते हैं। ठीक है, कैन का यूज हम कर सकते हैं और पॉसिबिलिटी के लिए, और परमिशन के लिए भी हम कैन का यूज करते हैं। ठीक है, पहले हमने जाना था एबिलिटी और ऑफर के लिए, हमने एग्जाम्पल के थ्रू अच्छे से समझ लिया था। अब हम इनको भी, पॉसिबिलिटी और परमिशन को भी एग्जाम्पल के थ्रू अच्छे से समझ लेते हैं कि कैन का यूज हम कैसे करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल है, स्मोकिंग कैन कॉज कैंसर। ठीक है, स्मोकिंग करने से कैंसर हो सकता है। ठीक है, तो कैन है आया, तो पता, इसमें पॉसिबिलिटी बता दें, इसके होने के चांसेस हैं। ठीक है, यहाँ पे एक और एग्जाम्पल है, इट कैन गेट वेरी हॉट दिस डे, इन दिनों बहुत गर्मी हो सकती है, मतलब चांसेस हैं गर्मी होने के। ठीक है, तो पॉसिबिलिटी बता दी, कैन आया तब। ठीक है, एक और एग्जाम्पल है, ही कैन कम इवन इन दिस हीट, वह इन गर्मी में भी आ सकता है। ठीक है, उसके चांसेस हैं आने के। ठीक है, तो कैन आया, तो उसने पॉसिबिलिटी बता दी कि वो इन दिनों इस गर्मी में भी आ सकता है। ठीक है, अब हम परमिशन में भी कुछ एग्जाम्पल समझ लेते हैं। एग्जाम्पल है, कैन आई यूज योर पेन, क्या मैं तुम्हारा पेन यूज कर सकता हूँ। परमिशन मांग रहे हैं ना कि मैं तुम्हारा पेन यूज कर सकता हूँ। ठीक है, एक और एग्जाम्पल है, कैन आई ड्राइव योर कार, क्या मैं तुम्हारी कार ड्राइव कर सकता हूँ, क्या मैं तुम्हारी कार चला सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे भी परमिशन ही मांग रहे हैं, तुम्हारी कार चला सकता हूँ। ठीक है, एक और एग्जाम्पल है,
कैन आई स्पीक इंग्लिश, क्या मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ? ठीक, परमिशन ही होगी ना, क्या मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, तो कैन आया तो इसलिए परमिशन बता दी कि मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ। ठीक है, अब हम जान लेते हैं मे का यूज हम कहाँ पे करेंगे। ठीक है, पहले हम मे की हिंदी समझ लेते हैं, मे की हिंदी क्या होती है। ठीक है, मे की भी हिंदी होती है सकता। ठीक है, कैन की भी हिंदी सकता थी, पर हमने समझ लिया कि उसका यूज कहाँ पे होता है। ठीक है, अब मे की भी हिंदी सकता है, अब हम उसको जान लेते हैं कि उसका यूज कहाँ पे होता है। ठीक है, उसका यूज होता है परमिशन के लिए। ठीक है, अगर हमें किसी से परमिशन ले रही होती तब हम किसका यूज करेंगे, मे का यूज करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू हम अच्छे से क्लियर कर लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है, मे आई कम इन सर, मे आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, परमिशन लेना है ना कि मैं अंदर आ सकता हूँ, तो मे आया तो परमिशन बता दी इसने कि मैं परमिशन ले रहा हूँ आप सर से। ठीक है, एक और एग्जाम्पल है, मे आई गो आउट विद माई फ्रेंड्स, क्या मैं अपने दोस्तों के साथ बाहर जा सकता हूँ। ठीक है, तुम ये भी परमिशन ले रहे हैं ना, मॉम से आप ले सकते हैं या डैड से, किसी से भी परमिशन ले रहे हैं ना कि मैं अपने दोस्तों के साथ बाहर जा सकता हूँ। ठीक है, एक और एग्जाम्पल है, मे आई यूज योर पेन, क्या मैं तुम्हारा पेन यूज कर सकता हूँ, तो इस पे भी ये परमिशन ही ले रहा है ना कि मैं तुम्हारा पेन यूज कर सकता हूँ। ठीक है, एक और एग्जाम्पल है, मे आई ड्राइव योर बाइक, क्या मैं तुम्हारी बाइक चला सकता हूँ। ठीक है, तो इसमें भी इसने परमिशन ही लिए कि क्या मैं तुम्हारी बाइक चला सकता हूँ, तो मे का यूज हम यूज करेंगे परमिशन के लिए। ठीक है, एग्जाम्पल के तो अच्छे से क्लियर हो चुका है हमारा कि मे का यूज हमने कहाँ पे करा है, परमिशन के लिए हमने मे का यूज किया है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं शुड। शुड की हिंदी क्या होती है, पहले हम वो जाने थे। शुड की हिंदी होती है चाहिए। ठीक है, शुड की हिंदी क्या होती है, चाहिए होती है। अब इसका यूज हम क्या करते हैं, वो हम जान लेते हैं। इसका यूज करते हैं हम एडवाइस देने के लिए, मतलब हम सलाह देने के लिए शुड का यूज करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तरह अच्छे से क्लियर कर लेते हैं। एग्जाम्पल है, यू शुड स्पीक इंग्लिश। ठीक है, तुम्हें इंग्लिश बोलनी चाहिए, एक एडवाइस होगा ना कि तुम्हें इंग्लिश बोलनी चाहिए। ठीक है, एक और सेंटेंस है, यू शुड ईट हेल्दी फूड, मतलब कि तुम्हें हेल्दी खाना खाना चाहिए। ठीक है, तो ये भी एडवाइस होगा ना कि हेल्दी फूड खाना चाहिए। ठीक है, एक और सेंटेंस है, यू शुड गो स्कूल डेली, मतलब कि तुम्हें स्कूल डेली जाना चाहिए, तो ये भी सलाह होगी ना कि तुम्हें स्कूल डेली जाना चाहिए। ठीक है, अब हम आ जाते हैं मस्ट। मस्ट की हिंदी क्या होती है, पहले हम वो जान लेते हैं। ठीक है, मस्ट की हिंदी होती है चाहिए। ठीक है, मस्ट की हिंदी क्या होती है, चाहिए, पर इसमें शुल्ड की भी हिंदी चाहिए थी, पर शुल्ड का यूज हम क्या करते हैं, एडवाइस देने के लिए। ठीक है, अब हम मस्ट का यूज जानते हैं। मस्ट का यूज हम करते हैं प्रोबेबिलिटी के लिए। प्रोबेबिलिटी मतलब क्या होता है, कर्तव्य। ठीक है, जो जो आपका कर्तव्य है वो। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू अच्छे से क्लियर कर लेते हैं। एग्जाम्पल है, ही मस्ट गो, He must go, उसे जाना चाहिए, मतलब ये इसका कर्तव्य है ना, उसे जाना चाहिए। ठीक है, एक और एग्जाम्पल है, He must come to office on time, मतलब कि उसको समय पर ऑफिस आना चाहिए। ठीक है, तो उसको कर्तव्य है कि उसे समय पर ऑफिस आना चाहिए। ठीक है, एक एग्जाम्पल और है, He must take care of them, मतलब कि उसे उनका ख्याल रखना चाहिए, ये उसका कर्तव्य है कि उसे उनका ख्याल रखना चाहिए। ठीक है, हम आ जाते हैं विल और वुल्ड पे। ठीक है, विल और वुल्ड का यूज कहाँ पे होता है, पहले हम वो जानते हैं। ठीक है, वुल्ड का यूज होता है रिक्वेस्ट और इनफॉर्मल, मतलब कि हम ऑफिस में जब होते हैं तब हम विल का यूज करते हैं। इनफॉर्मल मतलब होता है जब आपसे कोई बड़ा हो, या फिर आप ऑफिस के अंदर किसी से बात करते हो, वो आपसे बड़ा हो, उसके बारे में बात करें, तब हम विल का यूज करेंगे। ठीक है, हम एग्जाम्पल के तरीके से क्लियर करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल है, विल यू गो, विल यू गिव मी लीव टुमारो, क्या तुम मुझे कल छुट्टी दे सकते हो। ठीक है, तो हम अपने किसी बड़े से बात करें ना, क्या तुम मुझे कल छुट्टी दे सकते हो, या फिर आप ऑफिस में हम बोल सकते हो, क्या तुम मुझे कल छुट्टी दे सकते हो, विल यू गिव मी लीव टुमारो। ठीक है, एक और एग्जाम्पल है, विल यू बी एबल टू फिनिश दिस वर्क बाय टुनाइट, क्या तुम आज रात इस काम को पूरा कर सकते हो, तो आपसे सर बोल रहे ना, क्या तुम आज इस रात काम पूरा कर सकते हो। ठीक है, तो हमने यहाँ पे विल का यूज किया है। ठीक है, सो फ्रेंड्स, विल का यूज हम फ्यूचर टेंस में भी करते हैं। फ्यूचर टेंस आपको पता ही है। ठीक है, फ्यूचर टेंस जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है, ही विल गो टू प्ले, ठीक है, मतलब वह खेलने जाएगा, तो ये फ्यूचर की बात होगी ना, तो हम विल का यूज फ्यूचर टेंस में भी करते हैं। ठीक है, किसमें, फ्यूचर टेंस में भी हम किसका यूज करते हैं, विल का भी यूज करते हैं। ठीक है, अब हम वुल्ड की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, वुल्ड का यूज कहाँ पे होता है, वो हम जानते हैं। वुल्ड का यूज भी रिक्वेस्ट के लिए होता है, पर वो फॉर्मल के लिए यूज होता है। किसके लिए, फॉर्मल, जैसे आपका फ्रेंड है
या सिस्टर है या आपके फैमिली मेंबर, आप उनसे बात करते तब हम किसका यूज करेंगे, वुड का यूज करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू हम अच्छे से क्लियर कर लेते हैं। एग्जाम्पल है, वुड यू लाइक टू टेक टी, तुम चाय लेना पसंद करोगे। ठीक है, तो वुड है, आप अपने फैमिली किसी से पूछ रहे हो, रिश्तेदार से पूछ रहे हो कि आपको चाय लेना पसंद करेंगे। ठीक है, एक एग्जाम्पल और है, वुड यू प्लीज टर्न ऑन द लाइट, क्या तुम लाइट ऑन कर सकते हो। ठीक है, तब आप फ्रेंड से बोल रहे हो, क्या तुम लाइट ऑन कर सकते हो। ठीक है, एक एग्जाम्पल और है, वुड यू हेल्प मी कैरी दिस बैग, क्या तुम मेरी हेल्प कर सकते हो इस बैग को उठाने में। तो ये आप किसी से बात करो ना, क्या तुम मेरी हेल्प कर सकते हो इस बैग को उठाने में। अब हम आ जाते हैं शैल। शैल का यूज कहाँ पर होता है, पहले हम बोल जाने थे। शैल का यूज होता है फ्यूचर टेंस में। ठीक है, शैल का यूज कहाँ पर होता है, फ्यूचर टेंस में हम शैल का यूज करेंगे। ओके, अब एग्जाम्पल को तो अच्छे से क्लियर कर लेते हैं। एग्जाम्पल है, आई शैल बी रेडी, मतलब मैं तैयार रहूंगा। ठीक है, तो ये फ्यूचर में बात होगी ना कि मैं तैयार रहूंगा। ठीक है, एक बार एग्जाम्पल है, वी शैल गो टू स्कूल, हम स्कूल जाएंगे। ठीक है, तो ये भी फ्यूचर की बात होगी कि हम स्कूल जाएंगे ना, फ्यूचर की बात होगी। ठीक है, तो हमने यहाँ पे शैल का यूज किया है। ओके, एक बार एग्जाम्पल है, आई शैल राइट एन एसे, मतलब मैं एक एसे लिखूंगा। ठीक है, तो ये भी फ्यूचर की बात होगी, मैं एसे लिखूंगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे किसका यूज करा है, शैल का यूज किया है। ठीक है, अगर फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छी लगे, इस वीडियो को लाइक कर देना, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।